नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे बकरीवाले यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ गौरव गिरी। आज का वीडियो लेके आया हूँ दशरथ जो घास है, जो दशरथ ग्रास बोलते हैं जिसे, उसके बारे में सारी जानकारी जो अभी तक दो सालों में पूजा पवार मैडम को, अभी इन दिनों में मुझे दो सालों में जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन अस्क हुए, उन पर मैं दशरथ घास पर डिटेल वीडियो बना रहा, लगाने से लेके उन पर प्रोटीन कितना रहता, क्या एडवांटेज प्रो कॉन्स, अच्छाई बुराई, सब आज मैं ये वीडियो पेश कर रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो देखिए पूरा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले बकरी वाले। तो आज का सवाल है, तो बहुत सारे सवाल है दोस्तों के मेरे फार्मर भाइयों के। पहला सवाल है कि आपका गांव कौन सा है, आप सीड्स कहाँ से बेचते हैं, आपको पेमेंट कैसे करना है, सीड्स कैसे आएंगे। दोस्तों मैं प्रॉपर कलवन से हूँ। कलवन एक तालुका है, विलेज है, छोटा सा गांव है, तालुका है, अच्छा खासा गांव है, बड़ा बहुत छोटा गाँव ऐसा बोलने नहीं आएगा। तो मैं उधर से बाय पोस्ट आपको सीड्स भेजता हूँ। मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का अकाउंट है, मैं आपको अकाउंट नंबर देता हूँ। आपको करना ये मेरे अकाउंट पे जितना आपका सीड्स हो, जो हम अमाउंट बोले वो डाल देना है। पैसे डालने के बाद आपको पर्ची या आपका कंफर्मेशन देना है कि पैसे डाल दिए गौरव भाई, गौरव सर, या पूजा मैडम को फ़ोन करके बोलना है पैसे डलवा दिए उनको, या मुझे एड्रेस सेंड कर देना है पिन कोड के साथ, मोबाइल नंबर के साथ, और हम आपको सीड्स बाय पोस्ट पहुँचा देते हैं। ये ऐसा प्रोसेस है। तो सीड्स लेने के बाद गर्म पानी में क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है दोस्तों। 5 मिनट तक आपको पानी उबालना है। पानी उबल जाने के बाद उसको गैस से नीचे उतरना है। उसको नीचे उतरने के बाद उसमें जो सीड्स है आपका, अगर 1 किलो सीड्स हो तो 2 लीटर पानी आपको गर्म करना है। वो 2 लीटर पानी में 1 किलो सीड्स डाल देना है। वो सीड्स 5 मिनट से 7 मिनट तक आपको गर्म पानी में रखना है, और बाद में आपको नल के पानी में डाल देना है, अपने सादे पानी में, टैप वाटर में, उसको रात भर भिगोना है और दूसरे दिन उसको खेत में फूंक देना है। तो इसमें गलती ऐसे करते लोग, दो दो तीन तीन दिन तक भी कई कस्टमर ने गलती से भिगो के रखे, भूल गए, तो ये बात ऐसा है वो ज़रा गलत बात हो जाती। आप आज शाम को अगर प्रोसेस करें, कल आपको डालना ही डालना है, कुछ भी हो जाए, कल अगर आपको डालना है तो ही आप आज प्रोसेस करें। तो बाकी डालने की प्रोसेस उसकी सरी है और एक बेड है, या सरी यानी कि सीधा ऐसा बांध कर लेते हैं ऐसा स्पीड ब्रेकर जैसा। मैं आपको फ़ोटो में बता दूंगा, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा फेसबुक की, वो फोटो की। तो बाकी एक बेड की प्रोसेस आती है, बेड और सरी रहता है, तो दोनों में लगाते हैं। लगभग 1 किलो सीड्स 4000 स्क्वायर फीट में काफ़ी होता है। 4000 स्क्वायर फीट यानी कि 4 घंटे में हो जाता है 1 किलो सीड्स लगभग। बाकी उसको बस इतना ही, और फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है इसकी हाइट कितना होता है। इसका हाइट अभी मैंने पीछे एक वीडियो डाला था, आप चैनल पे वीडियो सर्च कीजिए, पुराने वीडियो में मेरे शोल्डर से ऊपर आ रही है हाइट। अब बारिश में आपको ज़्यादा बढ़ता है ये, तो हाइट अच्छी खासी रहती है, 4 से 6 फुट तक भी जाता है मे बी। बाकी उसमें प्रोटीन कितना रहता है, और कौन सी जानवर, कौन से एनिमल्स वो खाती है, दोस्तों उसमें 18 से 22% तक प्रोटीन होता है एज़ कम्पेयर एज़ मेथी, और वो सेम ही आएगा। बस इसका एक बात है, जो मेथी का जो है लहसुन बोलते हैं, अल्पा बोलते हैं, वो आपको ठंड में लगाना होता है, ये ठंड में लगाना नहीं होता है, ठंड में आता नहीं, जर्मिनेशन होता नहीं, ये ठंड में बढ़ता भी नहीं, और ये जो ठंड का मौसम होता है विंटर सीजन, 3 महीने तक इसकी बढ़ाई नहीं होती एज़ कम्पेयर अल्पा लूसन मेथी लहसुन जो कुछ घास बोलते हैं अपन, वो अच्छे से बढ़ता है ठंड में भी। तो ये कौन से एनिमल खाते हैं दोस्तों, गाय, बैल, घोड़ा, भैंस, ऊँट, जो जो कुछ हो सब, जो मिल्किंग आपके एनिमल है, गोट्स वगैरह, सब लोग इसे बड़े प्यार से खाते हैं, बहुत पसंदीदार इनको लगता है, यानी कि कुछ तो भी डिफरेंट लगता है, अपन वही डाल रहे वही रूटीन है, तो कुछ तो भी उनको भी टेस्ट बदलता है, उनका भी अपने को भी लाइक, अपने को पसंद आता है टेस्ट अगर बदला तो। बाकी इसका पहला कट कब आता है, और बाकी का रेगुलर कट कितने दिन में आता, और कितने दिन तक ये सर्वाइवल करता है। दोस्तों ये सीड्स है जो अपना 3 साल तक सर्वाइवल करता है आराम से, अगर आप देखभाल करें अच्छे से, इसकी देखभाल करें तो 5 साल से भी, मे बी 5 साल तक तो जाएंगे आराम से। तो पहली कट इसकी आती है 70 डेज के लगभग, आगे या पीछे हो सकता है, 2 महीने पकड़ लो, 2 महीने और 10 दिनों पर, और बाकी के रेगुलर कट आपको 35 से 40 दिन में मिलते ही मिलते हैं। आपको ये सीड्स लगा के ग्रास 1 एकड़ में, दैट मीन 40,000 स्क्वायर फीट, 40,000 स्क्वायर फीट में कितना इससे
ग्रीन फोडर हमें मिल सकता है साल में, तो साल में आपको लगभग 40 से 45 टन तक आपको इससे ग्रीन फोडर मिल सकता है। बाकी दशरथ और मेथी अल्फा अल्फा में क्या डिफरेंट होता है? डिफरेंट कुछ नहीं दोस्तों, दोनों भाई भाई है। बस इसका एक कॉन है, इसका एक माइनस पॉइंट है दशरथ का, ये ठंड के मौसम में बढ़ता नहीं है, 3 महीने कटिंग नहीं देता। और यही प्लस पॉइंट मेथी का है, अल्फा अल्फा का है, ये 3 महीने भी बढ़ता और 12 महीने भी बढ़ता। विंटर के 3 महीने तो बढ़ता ही बढ़ता, तब तो ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए इसको राजा कहा जाता है मेथी घास को, अल्फा अल्फा को। यही बात में कॉम्पीट नहीं कर पाता दशरथ, लेकिन दशरथ जो आपको बारिश में और धूप में जो कटिंग देता है, जो बढ़ाई देता है, हाइट देता है, वो लगभग आपको सालाना आप जब निकालते कैलकुलेशन, तो दशरथ में भी आगे निकल सकता है क्वांटिटी के बारे में। तो एक देखे तो एक सिमिलर ही जाता है, लेकिन हो क्या जाएगा, अगर आप डालोगे और आपके 10 जानवर हैं, आपने 5-6 घंटे डाला है, लेकिन उसके पे ही आपके सब जो एनिमल्स है वो निर्भर है, तो आपकी कटिंग रुक जाएंगी विंटर में, तो आपका प्लानिंग बिगड़ जाएगा, शेड्यूल, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जिनके पास बड़ा फार्म है, 2-3 एकड़ आधा एकड़ लगा दे, तो 5-1 घंटा लगाने को कोई हरकत नहीं। और इसका एक प्लस पॉइंट है, वो मेथी का निगेटिव है, मेथी में जो पानी ज़्यादा आता अल्पा अल्पा में, उतना दशरथ में कम आता। इसकी काढ़ी जाड़ आती, मेथी की काढ़ी बारीक आती, तो ये डिफरेंट है। और मेथी काटते काटते एक 2 साल में ऐसा एक आते ही प्रॉब्लम, अपन जब कट करते तो ये रूट के साथ निकल आता है मेथी, जो एक बहुत नाजुक रूट होता है, तो इसका रूट्स और इसका जो टहनी है, इसका जो पूरा पौधा है, जाड़ आता है पूरा। एक मेथी घास कंपेयर, अगर मेथी घास ले ले तो 2 से 3 अगर मेथी घास के आप ग्रास के अगर टुकड़े पकड़ो, उसकी टहनी देखो, तो उतने 1 की इसकी होती है, तो ये डिफरेंट आता है। बाकी एनिमल कुछ कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, तो मेथी घास खाने के बाद, अल्फा अल्फा खाने के बाद पेट फूगन की वगैरह तकलीफ होती है फीमेल को, बकरियों को, गाय को, ज़्यादा चारा खाने के बाद ब्लड भी आता है यूरिन में से, तो इसमें से नहीं आता, ये कितना भी खाने दो कुछ नहीं होता इससे। या हम अपने पास सीड्स मिलता है दशरथ, हम अल्फा अल्फा लहसुन मेथी भी बेचते हैं। आप अगर डीलर हो, रिटेल भी करते हैं, होलसेल भी करते हैं, मुझे कांटेक्ट कीजिए या पूजा पावर मैडम को कांटेक्ट कीजिए। पूजा पावर मैडम का नंबर है 9405199494, 94053529444, हा माझा आहे। आणि पूजा पवार मॅडमांचा नंबर मी तुम्हाला दिला आहे। अजून दशरथ घासा, सॉरी मराठी बोलने लगा मैं, दशरथ भास घास के बारे में, दशरथ घास के बारे में आपके कोई भी और सवाल हो तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका प्यार ऐसा ही बरकरार रहने दीजिए दोस्तों। आप जो कमेंट करते हो मैं खुद देखता हूँ, मैं हर किसी के कॉल्स नहीं ले सकता, हर किसी के साथ पर्सनल बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मेरे बाकी के भी ढेर सारे काम देखने पड़ते हैं। तो इसलिए प्लीज़ नाराज़ मत होजिए, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए कुछ इमीडिएटली, रहा तो मैं आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स देके कॉल भी कर सकता हूँ। और बाकी बस इतना ही, बस ऐसा प्यार दिया, ऐसा ही प्यार रखिए, बड़े भाई मेरे आशीर्वाद रखिए, और मुझे भी सिखाइए, अगर कुछ गलती हुई तो कमेंट कीजिए, बोलिए, फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए। और बस इतना ही आज के वीडियो में, धन्यवाद। और आपको कोई भी जानकारी हो कमेंट्स करिए, कोई भी क्वेश्चन हो, टॉपिक हो मेरे वीडियो के लिए, जो मैं आपको मेरे नॉलेज में से आप वीडियो बना के दे सकता, तो आप मुझे ज़रूर वो टॉपिक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में आप टाइप कीजिए, सेंड कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मैं गौरव गिरी, बकरी वाले, अलविदा।